नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रह करके आप अपने UPSC एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ शुद्ध और अशुद्ध यानी बर्तनी से बनने वाले हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाले किसी भी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रश्न प्रैक्टिस सेट में आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको पूरा करना है और पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। 186 में क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस शब्द की बर्तनी सही है? तो किसकी बर्तनी सही है, तो इसमें जो लालाय शब्द है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द की बर्तनी सही है, तो जो किस शब्द की बर्तनी सही है ये आपको बताना है। तो इसमें सही राइट आंसर हो जाएगा आपका कौतूहल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है यानी बताना है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिएगा, चार में से कौन कौन से जो हैं वो शब्द सही हैं, अधोगति, अध्यापिका, साहित्यकार और तिमिर। तो इसमें कौन कौन शब्द हैं वो सही हैं, तो इसमें साहित्यकार जो शब्द है वो सही लिखा है और तिमिर शब्द है वो भी सही लिखा है, तीन और चार किस्में हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिएगा, तो देख कीजिएगा यानी इसमें बताना सभी शब्द शुद्ध हैं यानी किस विकल्प के शब्द हैं वो सही हैं। तो इसका राइट आंसर मिला लीजिएगा आप में इसमें, तो उसमें विस्मरण सही लिखा है और हित्यासी भी सही लिखा है यानी इसके भी तीन और चार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, तो आप देख लीजिए किस शब्द में वो सभी विकल्प शुद्ध लिखे हैं, तो ये दुर्साध, त्रिमासिक, तीतांजलि और द्वंद ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सामने, निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है वो शुद्ध यानी परिमार्जित यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो कौन सा शब्द वो अशुद्ध लिखा है यानी शोषक ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो कौन सा शब्द है वो शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समर्पण ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने हुआ, निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो बर्तनी दृष्टि से कौन सा शब्द है वो शुद्ध है, देख लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगामी जो शब्द है वो शुद्ध लिखा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है, तो इसमें पूर्ति जो शब्द है वो अशुद्ध लिखा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध यानी वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है, तो वाल्मीकि लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए की तरह, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो यानी भागीरथी कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है, तो भागीरथी लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए की तरह, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा जो शब्द है वो अशुद्ध लिखा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चुनिए, यानी छिद्रान्वेषी कैसे लिखा जाता है, तो आपको बताना छिद्रान्वेषी लिखा जाता है ऑप्शन नंबर डी की तरह, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो कौन सा शब्द है वो शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा जो शब्द लिखा है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक की बर्तनी शुद्ध है, तो किसकी बर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है, तो इसमें जो अनानास शब्द है वो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों के किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं, किस शब्द के समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं ये आपको देखना है, तो इसमें जो पंकज, परंपरा और गड्ढा यानी ऑप्शन नंबर दूसरा किसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो कौन सा शब्द अशुद्ध है, तीन सही है जबकि चौथा अशुद्ध है, तो कौन सा है वो? तो इसका अनाधिकार गलत लिखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो किसकी वर्तनी सही है ये आपको बताना है, तो अभ्यांतरित, अभ्यांतरिक ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आपके सामने क्या हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है वो शुद्ध है, तो ये शुद्ध हो जाएगा प्रमाणिक ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो किस्म की वर्तनी जिसमें शुद्ध लिखा ये आपको बताना है, तो 206 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुकूल इसमें सही लिखा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी है वो किसमें लिखी है, तो इसकी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा इसमें किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा अधीन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा याग बलक ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा, ये परीक्षा जो शब्द है वो शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है, तो किसकी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है, तो इसमें जो कवियत्री लिखा है वो शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो किसकी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है, यानी आधिकारिक कैसे लिखा जाता है तो ये बताना है, तो इसमें आधिकारिक लिखा जाता है ऑप्शन नंबर बी की तरह, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौते ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो यानी किसकी वर्तनी अशुद्ध लिखी है, तो यानी वाल्मीकि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है ये आपको बताना है, तो 214 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 214 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहिल्या, और सही लिखा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यानी कौन सा शब्द है वो सही है, तो इसमें जो कालिदास है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं, तो किस में जो शब्द हैं वो सभी शुद्ध हैं, तो ये ऐच्छिक, हरितिमा और सार्वजनिक ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो यानी किसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है, तो देख लीजिएगा और बताइएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पूज्यास्पद जो शब्द है वो गलत लिखा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है, तो यानी तीन सही है जबकि चौथा गलत है, तो कौन सा गलत है, ये जो अधीन शब्द लिखा ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर पंचवा जो शब्द है वो अशुद्ध लिखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, तो 220 में शुद्ध वर्तनी किस में हो जाएगी, ये हो जाएगी अनधिकार ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से अशुद्ध शुद्ध शब्द है, तो यानी शुद्ध शब्द बताने अनुगृहित कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना, तो इसमें अनुगृहित लिखा जाता है ऑप्शन नंबर सी की तरह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, यानी शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना था, 222 में शुद्ध शब्द हो जाएगा लब्ध प्रतिष्ठ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं भाई नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद प्यारे साथियों।